नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क के बारे में देखेंगे। डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क का पहला पार्ट इंट्रोडक्शन टू डेटा कम्युनिकेशन के बारे में देखेंगे और उससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। व्हेन वी कम्युनिकेट वी शेयरिंग इंफॉर्मेशन, द शेयरिंग कैन बी लोकल और रिमोट। जब हम बातें करते हैं एक दूसरे से, तो बेसिकली क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन का शेयर करते हैं। या तो इंफॉर्मेशन वो हम लोकल में शेयर करते हैं, या फिर किसी डिस्टेंस पे कोई पर्सन हो या कोई थिंग्स हो जिससे हम अपने डेटा को या फिर इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। बिटवीन इंडिविजुअल लोकल कम्युनिकेशन यूजली ऑकर फेस टू फेस, लोकल कम्युनिकेशन फेस टू फेस ही होता है, वाइल रिमोट कम्युनिकेशन टेक प्लेस ओवर डिस्टेंस। रिमोट कम्युनिकेशन जो डिस्टेंस हो, वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे या डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, द टर्म टेली कम्युनिकेशन विच इंक्लूड टेलीफोनी टेलीग्राफी एंड टेलीविजन, मीन्स कम्युनिकेशन एट अ डिस्टेंस। टेली कम्युनिकेशन दोस्तों क्या होता है, सिंपली कम्युनिकेशन एट अ डिस्टेंस। टेली कम्युनिकेशन की अगर डिवाइड करें तो वो डिवाइड हो जाता है टेली प्लस कम्युनिकेशन। टेली मीन्स दोस्तों क्या मीनिंग होता है टेली का, टेली का मीनिंग होता है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, एक डिस्टेंस फार, इसका मीनिंग होता है टेली का। द वर्ड डेटा रिफर्स टू इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन व्हेनेवर फॉर्म इज एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज क्रिएटिंग एंड यूजिंग द डेटा। डेटा क्या, जैसे दोस्तों डेटा कम्युनिकेशन की नेम से ही यहाँ पे क्लियर है कि हमारा जो कम्युनिकेशन होगा उसमें डेटा का कम्युनिकेशन होगा, मीन्स हम डेटा की शेयरिंग करेंगे वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे। तो दोस्तों अगर डेटा कम्युनिकेशन की बात करें, डेटा कम्युनिकेशंस आर द एक्सचेंजेस ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस वेयर सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम सच एज वायर केबल। फॉर डेटा कम्युनिकेशन टू ऑकर द कम्युनिकेशन डिवाइस मस्ट बी अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम मेड अप ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ हार्डवेयर फिजिकल इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर। द इफेक्टिवनेस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम डिपेंड ऑन फोर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये पॉइंट यहाँ पे आपको याद करना होगा, द इफेक्टिवनेस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम डिपेंड्स ऑन फोर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। डिलीवरी, इफेक्टिव डेटा कम्युनिकेशन के लिए ये चार फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होने ही चाहिए। पहला क्या, डिलीवरी, एक्यूरेसी, टाइमलीनेस एंड जिटर। जी चार प्रॉपर्टीज होने चाहिए इफेक्टिव डेटा कम्युनिकेशन के लिए। पहला, अगर डिलीवरी की बात करें दोस्तों, द सिस्टम मस्ट डिलीवर डेटा टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। क्या है, एक्यूरेट डेटा कम्युनिकेशन तभी होगा जब जो डेटा की डिलीवरी है वो करेक्ट डेस्टिनेशन पे जाए, ठीक है। डेटा मस्ट बी रिसीव्ड बाय द इंटेंडेड डिवाइस और यूजर एंड ओनली बाय द डिवाइस ऑफ यूजर, ओनली बाय दैट डिवाइस और यूजर। अब एक्यूरेसी की बात करें दोस्तों, द सिस्टम मस्ट डिलीवर द डेटा एक्यूरेटली। जो सिस्टम डेटा को डिलीवर कर रहा है वो एक्यूरेटली, उसमें कोई एरर डाल के वो ना करे, जो डेटा है वही डेटा, वो सेम डेटा वहाँ पे ट्रांसफ़र करे, नहीं तो यहाँ से कुछ और भेजा जाएगा और रिसीवर के पास कुछ और जाएगा। तो डेटा दैट हैव बीन अल्टर्ड इन ट्रांसमिशन एंड लेफ्ट अनकरेक्टेड आर अनयूजेबल, मीन जैसे कि अभी सेंडर ने यहाँ पे कोई डेटा भेजा और अगर मीडिया में कोई इरर आ गया तो जिसके कारण रिसीवर के पास करेक्ट डेटा नहीं पहुँच पाएगा, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। मीन्स ट्रांसमिशन मीडियम में कोई भी इरर नहीं आना चाहिए या फिर डेटा में कोई भी इरर नहीं आना चाहिए। अब टाइमलीनेस की बात करें दोस्तों, तो टाइमलीनेस यहाँ से ये क्लियर है, द सिस्टम मस्ट डिलीवर डेटा इन अ टाइमली मैनर। सिस्टम को डेटा जो है वो टाइमली मैनर में ही, मतलब टाइमली वो क्या करे, डेटा को डिलीवर करे। डेटा डिलीवर्ड लेट आर यूजलेस, ओके। इन द केस ऑफ वीडियो एंड ऑडियो टाइमली डिलीवरी मीन्स डिलीवरी डेटा एज दे आर प्रोड्यूस। अब जैसे वीडियो और ऑडियो कम्युनिकेशन की बात करें, वहाँ पे डेटा की जब शेयरिंग होगा, कभी कभी आप कोई मूवी देखते होंगे जिसमें वीडियो पहले चलता है ऑडियो बाद में आता है, या फिर ऑडियो पहले चलता है वीडियो बाद में जाता है, तो वो परफेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है।
वो टाइमलीनेस कम्युनिकेशन नहीं है डेटा कम्युनिकेशन का, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अगर बात करें दोस्तों जिटर की, तो इसको पहले आप समझिए कि जिटर होता क्या है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। जिटर रिफर्स टू द वेरिएशन इन द पैकेट अराइवल टाइम। जिटर क्या होता है, रिफर्स टू द वेरिएशन इन द पैकेट अराइवल टाइम। इट इज़ अनइवन डिले इन द डिलीवरी ऑफ ऑडियो और वीडियो पैकेट्स। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस अज्यूम दैट वीडियो पैकेट्स आर सेंट एवरी 30 मिली सेकेंड। If some packet arrive within 30 millisecond delay and other with 40 millisecond delay, an uneven quality in the video is the result। दोस्तों जैसे आप समझिए, अगर कोई वीडियो सिग्नल हमें भेजना है, राइट, वीडियो सिग्नल भेजने के लिए उसमें कई सारे उसके पैकेट्स होंगे, क्या करने हैं, जो डेटा कम्युनिकेशन में क्या होता है, कई सारे पैकेट डेटा को कई सारे पैकेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, फिर उसको वन बाय वन ऐसे सीरियली या फिर पैरेलली उसको ट्रांसमिट किया जाता है। अब जैसे आप समझिए कि वीडियो इसकी नंबरिंग वन कर दी है, इसकी टू, इसकी थ्री, इसकी फोर, इसकी फाइव। अब डेटा की हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं, पहला 30 सेकेंड में पहुंच गया, दूसरा भी 30 सेकेंड में पहुंच गया, फिर चौथा भी 30 सेकेंड में पहुंच गया और पांचवा भी 30 सेकेंड में पहुंच गया, लेकिन जो तीसरा वाला है वो 30 सेकेंड में नहीं पहुंचा, या तो वो पहले पहुंच गया विद इन द 20 सेकेंड पहुंच गया, या फिर 30 सेकेंड के बाद पहुंच गया। तो वहाँ पे जब डेटा की रिसीविंग होगी दोस्तों, जब वहाँ पे डेटा की रिसीविंग होगी, इस थर्ड वाले फ्रेम में लेट डेटा आने की वजह से जो एरर प्रोड्यूस होगा उसको क्या कहते हैं दोस्तों, जिटर कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगर बात करें कंपोनेंट की, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क के कंपोनेंट की बात करें, तो फाइव कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन आपके सामने दिख रहा होगा। पहला क्या, सेंडर, दूसरा रिसीवर, तीसरा मैसेज, चौथा ट्रांसमिशन मीडियम, पांचवा प्रोटोकॉल, ठीक है। ये पांच कंपोनेंट हैं डेटा कम्युनिकेशन के, मीन्स डेटा। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा प्रोटोकॉल होता क्या है। प्रोटोकॉल दोस्तों सेट ऑफ रूल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं दैट आर गवर्न्ड बाय द कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कम्युनिकेशन सिस्टम के द्वारा फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। अब सेंडर के बारे में आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं, ना ही रिसीवर के बारे में बताने की ज़रूरत है, ना ही मैसेज के बारे में बताने की ज़रूरत है, ना ही ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में बताने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ इतना जानना है देयर आर फाइव कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। कितने कंपोनेंट दोस्तों, फाइव कंपोनेंट। अगर वो पूछ दिया जाए कौन कौन से, तो कौन कौन सा, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम, मैसेज एंड प्रोटोकॉल्स, ठीक है। अब अगर डेटा रिप्रेजेंटेशन की बात करें दोस्तों, डेटा को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकेंगे दोस्तों, ये इंट्रोडक्शन है तो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट हो सकता है, लेकिन इसे समझने की कोशिश करिए क्योंकि ये हमारे चैप्टर में। अब अगर बात करें दोस्तों डेटा रिप्रेजेंटेशन की, इंफॉर्मेशन टुडे कम्स इन डिफरेंट फॉर्म सच एज टेक्स्ट, नंबर, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो। अगर टेक्स्ट की बात करें तो टेक्स्ट के बारे में आपको पता होगा, इन डेटा कम्युनिकेशन टेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेड एज अ बिट पैटर्न, अ सीक्वेंस ऑफ बिट 0 और 1। डिफरेंट सेट ऑफ बिट्स patterns have been designed to represent text symbols, ठीक है, जिसको हम American Standard Code for Information Interchange ASCII, जैसा कि आपको पता होगा कि हर एक अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स का कुछ ASCII कोड्स होते हैं जिसके द्वारा हमारा क्या सिस्टम क्या है उसको समझता है 10 एंड 10 के फॉर्म में। नंबर्स के बारे में भी आपको पता है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। अगर इमेज की बात करें तो इमेज आर आल्सो रिप्रेजेंटेड बाई बिट पैटर्न। In its simplest form, an image is composed of a matrix of pixel. इसको याद रखिएगा, इमेज को पिक्सल, मैट्रिक्स ऑफ पिक्सल में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर ईच पिक्सल इज अ स्मॉल डॉट, द साइज ऑफ द पिक्सल डिपेंड ऑन रिजोल्यूशन। पिक्सल का जो साइज है वो रिजोल्यूशन पे डिपेंड करता है, और इसमें कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ पढ़ना है तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, डेटा फ्लो, किस टाइप से डेटा को हम सेंडर से रिसीवर के बीच में जो फ्लो होता है उसको कितने कैटेगराइज में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर कम्युनिकेशन टाइप आप इसे कह सकेंगे। तो बेसिकली दोस्तों हम तीन टाइप से कम्युनिकेशन कर सकते हैं डेटा फ्लो का। डेटा का जो फ्लो है दोस्तों वो तीन टाइप में हो सकता है इस पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस कैन बी सिंप्लेक्स,
half duplex or full duplex as shown in figure. अब जैसे दोस्तों simplex communication की बात करें तो दोस्तों simplex communication में क्या होता है कि data सिर्फ और सिर्फ एक ही medium में या एक ही साइड ट्रांसमिट होता है, एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिट होता है. सिंप्लेक्स मोड में दोस्तों क्या होता है, सिर्फ सेंडर डेटा को ट्रांसमिट करता है और रिसीवर डेटा को रिसीव करता है. ठीक है, इस केस में रिसीवर या फिर रिसीवर सेंडर को डेटा नहीं भेज सकता या फिर किसी टाइप का कम्युनिकेशन नहीं कर सकता. दोस्तों इसका लाइव एग्जाम्पल है रेडियो. क्या है दोस्तों, रेडियो. रेडियो में रेडियो चैनल वाले सिर्फ आपको डेटा दे सकते हैं, आप उन्हें डेटा नहीं दे सकते. रेडियो हो गया, टेलीविजन्स हो गए, ये सब वन वे कम्युनिकेशंस है. दोस्तों जितने भी वन वे कम्युनिकेशन होते हैं उसको सिंप्लेक्स कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है डेटा कम्युनिकेशन के. राइट, मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा. अब दोस्तों अगर बात करें हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन की, किसकी दोस्तों, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन की, तो इसमें दोस्तों डेटा का ट्रांसमिशन सेंडर टू रिसीवर और रिसीवर टू सेंडर होता है, लेकिन कोई एक या तो सेंडर या तो रिसीवर एक टाइम में कोई एक ही डेटा सेंड कर सकता है, जैसे अगर हम बात करें ये सेंडर वन पहले डेटा ट्रांसमिट करेगा, उसको ये सेंडर टू रिकॉग्नाइज करेगा, समझेगा, फिर उसके बाद फिर ये रिसीवर क्या करेगा, सेंडर से बात कर सकता है. मींस एक ही टाइम पीरियड में ये लोग बात नहीं कर सकते. दोस्तों इसका लाइव एग्जांपल है वाकी टॉकी. वाकी टॉकी में क्या करते हैं दोस्तों, ये एग्जांपल्स इसके पूछे जाते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ सिंप्लेक्स मोड, या विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ डुप्लेक्स मोड या फुल डुप्लेक्स मोड, ऐसे एग्जांपल्स पूछे जाते हैं. ठीक है, तो वॉकी टॉकी की अगर बात करें दोस्तों, तो वॉकी टॉकी में क्या होता है कि एट अ टाइम एक बंदा कोई बोलता है, उसके बाद वो ओवर बोलता है, लास्ट में क्या बोलता है, ओवर बोलता है. मीन्स उसका बात ख़त्म हो गया है, अब दूसरा बंदा कोई बात कर सकता है, तो दूसरा बंदा कोई बात वहाँ से स्टार्ट करता है, या फिर पहला बंदा जब तक ओवर नहीं बोलता तब तक वो उनका वेट करते हैं उस टाइम पीरियड के बाद, तब वो अपना कम्युनिकेशन फिर वो बोलना स्टार्ट करते हैं. तो हाफ डुप्लेक्स में दोस्तों डेटा का ट्रांसमिशन दोनों साइड होता है, लेकिन एट अ टाइम कोई एक ही ट्रांसमिट या रिसीव कर सकता है. ठीक है, अब अगर बात करें फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन की, तो फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन में दोस्तों क्या होता है कि एट अ टाइम इसमें डेटा का ट्रांसमिशन दोनों साइड होता है और एट अ टाइम आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, इसमें कोई भी टाइम का बाउंडेशन नहीं होता. लाइफ इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका मोबाइल फ़ोन एंड टेलीफोन्स. मोबाइल फ़ोन एंड टेलीफोन्स में आप एट अ टाइम उधर से भी आवाज़ आ सकती है और इधर से भी आवाज़ आ सकती है, तो डेटा का जो ट्रांसमिशन होता है वो दोनों साइड से सेम टाइम पे हो सकता है. ये फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है. ये तीनों पॉइंट दोस्तों प्लीज़ समझ लीजिएगा, सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन, हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन, इसके बारे में जानने की कोशिश भी करिएगा. और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे. यही सेम दोस्तों इसके थ्योरेटिकल पार्ट्स दिए हुए हैं. जैसे इन सिंप्लेक्स मोड द कम्युनिकेशन यूनिडायरेक्शनल. कम्युनिकेशन क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल एज वन वे स्ट्रीट. एक डायरेक्शन का स्ट्रीट होता है. ओनली वन ऑफ द टू डिवाइसेस ऑन द लिंक कैन ट्रांसमिट एंड अदर कैन रिसीव. ठीक है, एक ट्रांसमिट करेगा और दूसरा रिसीव करेगा. जैसे कीबोर्ड हो गया, ये सब क्या है, मॉनिटर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लेक्स डिवाइसेस. अब दोस्तों अगर बात करें हाफ डुप्लेक्स की, तो स्वयं वही मैंने आपको बताया, इसका लाइव एग्जाम्पल क्या है, वाकी टाकी इज द लाइव एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन. अब फुल डुप्लेक्स की बात करें दोस्तों, तो वही सेम पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि एट अ टाइम दोनों लोग क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जिसका लाइव एग्जाम्पल क्या है, टेलीफोन लाइन. टेलीफोन लाइन क्या है, लाइव एग्जाम्पल है फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन का. इसके बारे में डिटेल में देखना है तो आप इसका स्क्रीन शॉट लेके आप इसके बारे में पढ़ सकेंगे. अब दोस्तों बात करें अगर नेटवर्क्स की, ठीक है, अब जैसे कि हमें डेटा का शेयरिंग करना है तो उसके लिए नेटवर्क की भी तो ज़रूरत पड़ेगी, जिससे जो हेल्प करेगा डेटा का ट्रांसमिशन. अब दोस्तों अगर नेटवर्क की बात करें तो अ नेटवर्क इज़ अ इंटरकनेक्शन ऑफ सेट ऑफ डिवाइसेस. क्या है नेटवर्क, क्या है, इज़ एन इंटरकनेक्शन ऑफ सेट ऑफ डिवाइसेस
कैपेबल ऑफ कम्युनिकेशन। कुछ डिवाइसेस का इंटरकनेक्शन है जो कि एक प्रॉपर मैनर में हो, ठीक है, प्रॉपर मैनर में है और वो कैपेबल हो कम्युनिकेशन के लिए। इन दिस डेफिनेशन अ डिवाइस कैन बी होस्ट, डिवाइस क्या है, कोई भी एक डिवाइस होस्ट भी हो सकता है जो कि मतलब जो डेटा को भेज रहा है, ठीक है, एंड सच एज अ लार्ज कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, वर्क स्टेशन, सेलुलर फोन, आ सिक्योरिटी सिस्टम। होस्ट क्या हो सकते हैं, जो सभी नेटवर्क को सभी प्लेसेस पे डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, यहाँ पे होस्ट कहलाएंगे। इन दिस डेफिनेशन कैन आल्सो बी कनेक्टिंग डिवाइसेस सच एज राउटर विच कनेक्ट्स द डिवाइस टू अदर नेटवर्क, अ स्विच विच कनेक्ट डिवाइसेस टूगेदर, अ मॉडम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर विच चेंज द फॉर्म ऑफ डेटा एंड सो ऑन। ऐसे कंपोनेंट से मिलकर क्या बनता है, एक नेटवर्क बनता है। उस नेटवर्क में दोस्तों क्या हो सकते हैं, होस्ट हो सकते हैं, फिर राउटर हो सकता है, स्विच हो सकता है एंड मॉडम हो सकता है। इन सब को मिला के दोस्तों क्या बनता है, एक नेटवर्क बनता है जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं डेटा के थ्रू। अब दोस्तों अगर नेटवर्क के स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो वो किस टाइप में कनेक्ट हो सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। या तो दोस्तों इसमें क्या हो सकता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हो, यहाँ कोई डिवाइस हो उसको उस डिवाइस से क्या कर दिया जाए, कनेक्ट कर दिया जाए, या फिर दोस्तों पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्शन हो, या फिर एक डिवाइस यहाँ पे है, होस्ट यहाँ पे है, इससे कई सारे डिवाइसेस एट ए टाइम क्या कर दिया जाए, कनेक्ट कर दिया जाए। तो इस दो वे में हम डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन की बात करें तो प्रोवाइड्स द डेडिकेटेड लिंक बिटवीन टू डिवाइसेस, दो डिवाइसेस के बीच में डेडिकेटेड लिंक प्रोवाइड करता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। द इंटायर कैपेसिटी ऑफ द लिंक इज रिजर्व फॉर ट्रांसमिशन सिस्टम। अगर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है तो ये पॉइंट याद रखिएगा, जो पूरी कैपेसिटी है वो रिजर्व कर दी जाती है इस कम्युनिकेशन डिवाइस के थ्रू, क्योंकि इसमें और कोई कनेक्ट नहीं कर सकता और कोई डेटा सेंड नहीं कर सकता। मोस्ट पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन यूज एन एक्चुअल लेंथ ऑफ वायर और केबल टू कनेक्ट द टू एंड्स, ठीक है। अब मल्टी पॉइंट कनेक्शन की बात करें तो मल्टी पॉइंट कनेक्शन के बारे में आपको नाम से ही क्लियर होगा कि एक पॉइंट से कई सारे सिस्टम को कनेक्ट कर देना। अब जैसे इस फिगर में आपको दिख रहा होगा पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, एक से एक डिवाइस को कनेक्ट कर देना, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, मेन फ्रेम सिस्टम क्या फिर होस्ट क्या कर रहा है, एट अ टाइम कई सारे डिवाइसेस को इसमें कनेक्ट कर रहा है। तो दोस्तों इसमें जो एडवांटेजेस है, जो बेटर वे है कम्युनिकेशन का, या फिर आप कह सकते हैं फिजिकल कनेक्शन का, वो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट है। इसके एडवांटेजेज ये हैं, इसमें आप देख रहे हैं एक ही लिंक के थ्रू आप सभी डेटा को शेयर कर दे रहे हैं, तो जो केबलिंग कॉस्ट हो रही है ये सब इसमें रिड्यूस हो रही है। तो दोस्तों हम अब आगे देखेंगे टोपोलॉजीज के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में पूछा जाता है कि अब हम इसको किस किस वे में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, किस किस वे में कनेक्ट कर सकते हैं, मीन्स इसके फिजिकल टोपोलॉजी के बारे में देखेंगे कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को हम कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं ताकि हम डेटा की शेयरिंग कर सकें। अब दोस्तों अगर फिजिकल टोपोलॉजी की बात करें, रिफर्स टू द वे इन विच अ नेटवर्क इज लेड आउट फिजिकली, ठीक है, जिसमें फिजिकली क्या होते हैं नेटवर्क कनेक्ट होते हैं। अब अगर बात करें पहले टोपोलॉजी की, मेश टोपोलॉजी की बात करें, तो इसमें डिटेल में आप इधर पढ़ लीजिएगा, मैं इसका एक्चुअल फिगर आपको दिखा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए। अब दोस्तों मेश टोपोलॉजी में क्या होता है कि अगर कई सारे डिवाइसेस हैं, जैसे आप कंसीडर करें कि एक दो तीन चार, चार डिवाइसेस है, इसको हमें मेश टोपोलॉजी में कनेक्ट करना है, तो एक डिवाइस जो होगा वो सभी डिवाइसेस से कनेक्ट होगा, ठीक है, हर एक डिवाइस से कनेक्ट होता है मेश टोपोलॉजी के केस में। मीन्स यहाँ पर अगर कोई भी लिंक फेल होता है, कोई भी लिंक फेल होता है तो कम्युनिकेशन तब पर भी होगा, राइट, कम्युनिकेशन तब पर भी होगा अगर कोई भी लिंक फेल होता है, तो कम्युनिकेशन ब्रेक होने के चांसेस नहीं रहते। ये एक्चुअली दोस्तों उस केस में लगाए जाते हैं जहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशंस में ये टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। लाइक आप समझे एक कोई डिवाइस हमारा दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई में है, तो इस केस में दोस्तों क्या होता है कि अगर मेश टोपोलॉजी में इसको कनेक्ट करना है तो दिल्ली वाले का वायर सबसे कनेक्ट करना होगा, और फिर सेम मैनर में
चेन्नई वाले का वायर भी सबसे कनेक्ट करना होगा, जिससे कोई भी सिचुएशंस ऐसा हो कि सब लोग एक दूसरे से, कोई भी वायर का फेल्योर हो तो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेस कम्युनिकेशन का एडवांटेज है कि अगर कोई वायर, कोई लिंक फेल होता है तो उसके बावजूद भी वो कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के, क्योंकि वो आपस में कनेक्टेड होते हैं किसी न किसी फॉर्म में। लेकिन इसका दोस्तों ड्रॉबैक ये है, आप जैसा कि देख रहे हैं दिल्ली से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, इन सब को कनेक्ट करने के लिए हर एक डिवाइस हर लिंक से कनेक्टेड होगा। तो आप देख रहेंगे अगर ज़्यादा से डिवाइसेस के नंबर ज़्यादा हो जाएंगे तो ज़्यादा लोगों से आपको कनेक्ट करना होगा, और केबलिंग कॉस्ट क्या होगी दोस्तों, वो बढ़ जाएगी और कॉम्प्लेक्सिटी भी दोस्तों काफ़ी बढ़ जाएगी। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, ये जनरली हम लोग पढ़ते हैं सिर्फ, और इसको फिजिकल इम्प्लीमेंट करना उतना आसान नहीं रहता मेस टोपोलॉजी के बारे में। अब दोस्तों अगर हम स्टार टोपोलॉजी की बात करें, इसमें स्टार टोपोलॉजी से ही आपको ये क्लियर हो रहा है कि ये कुछ इस फॉर्म में हम डिवाइस को कनेक्ट करेंगे। एक हब होगा, ठीक है, एक मेन फ्रेम होगा, या फिर हम कह सकते हैं एक होस्ट होगा, जिससे इस स्टार मैनर में कई सारे डिवाइसेस कनेक्ट हो जाएंगे। ये हब है, इससे कई सारे डिवाइसेस स्टार मैनर में कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, एक दिक्कत ये होती है, इसके एडवांटेजेस ये हैं कि केबलिंग कॉस्ट कम हो जाती है, एक से एक डिवाइसेस लिंक टू लिंक कम्युनिकेशन होता है, सबके लिए एक डेडिकेटेड पाथ होता है। लेकिन अगर होस्ट यहाँ पे फेल्योर हुआ, इस केस में अगर होस्ट फेल्योर हुआ दोस्तों, या हब फेल्योर हुआ, तो सभी सिस्टम्स क्या हो जाएंगे दोस्तों, सभी सिस्टम फेल हो जाएंगे स्टार टोपोलॉजी के केस में। लेकिन हम ये यूज होता है हमारे ऑफिस वगैरह में यूज होता है, लोकल एरिया कनेक्शन के लिए इसको यूज करते हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देखना चाहेंगे। इन अ स्टार टोपोलॉजी ईच डिवाइसेस हैज डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक, ठीक है, ओनली टू अ सेंट्रल कंट्रोलर यूजली कॉल्ड हब, द डिवाइस आर नॉट डायरेक्टली लिंक टू द अनोदर, ठीक है। अनलाइक अ मेस टोपोलॉजी, अ स्टार टोपोलॉजी डज नॉट अलाउ डायरेक्ट ट्रैफिक बिटवीन डिवाइसेस, द कंट्रोलर एक्ट एज अ एक्सचेंज, इफ वन डिवाइस वॉन्ट टू सेंड डेटा टू अनदर, इट सेंड अ डेटा टू द कंट्रोलर विच देन रिले द डेटा टू द अदर कनेक्टेड डिवाइसेस, ठीक है। अब जैसे क्या है कि इसमें ये डेटा शेयर करना चाहता है इससे, तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट इसको शेयर नहीं करेगा, मेस टोपोलॉजी में ऐसा ही होता था। लेकिन इस केस में क्या होगा, ये पहले डेटा भेजेगा हब को, फिर हब उसको डेटा भेजेगा उस डिवाइसेस को। इन अ स्टार टोपोलॉजी इज लेस एक्सपेंसिव देन मेस टोपोलॉजी, इन अ स्टार ईच डिवाइस नीड ओनली वन लिंक एंड वन IO पोर्ट टू कनेक्ट इट टू एनी नंबर ऑफ अदर्स, दिस फैक्टर ऑल्सो मेक्स इट ईजी टू इंस्टॉल एंड रिकनफिगर फॉर लेस कैबलिंग नीड टू बी हाउस्ड एंड एडिशन मूव। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें लेस केबलिंग की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन केबलिंग मेनली हम इसको ऑफिस वगैरह में हम दोस्तों क्या करते हैं, यूज करते हैं, लोकल एरिया कनेक्शन के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब दोस्तों अगर बस टोपोलॉजी की बात करें, नेक्स्ट टोपोलॉजी, अगर बस टोपोलॉजी दोस्तों, ये टोपोलॉजी आप समझिएगा और याद करने की कोशिश भी करिएगा। पहला हमने देखा मेस टोपोलॉजी, उसके बाद देखा दोस्तों हमने स्टार टोपोलॉजी, अब हम बस टोपोलॉजी के बारे में देखेंगे। अब दोस्तों ये बस टोपोलॉजी ये है कि द प्रिसीडिंग एग्जाम्पल आप डिस्क्राइब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन ऑफ बस टोपोलॉजी, ऑन द अदर हैंड इन मल्टी पॉइंट वन लॉन्ग केबल एक्ट एज अ बैकबोन टू लिंक ऑल द डिवाइसेस इन द नेटवर्क। अब देखिए क्या है, यहाँ पे एक केबलिंग नेटवर्क बिछा दिया जाएगा, जहाँ पे भी कोई सिस्टम की एक जरूरत पड़ेगी उस टैप से उस एक डिवाइस को कनेक्ट कर दिया जाएगा। इसके ड्रॉबैक दोस्तों क्या है कि अगर एक ये केबलिंग मेन केबल अगर बैकबोन जिसे कहा जाता है ये फेल हुआ, कहीं भी कट हुआ, तो सारे डिवाइसेस काम करना बंद कर देंगे। ये इसका ड्रॉबैक है बस टोपोलॉजी का। लेकिन इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, कम होती है, और केबलिंग कॉस्ट भी इसका कम होता है, इसको भी हम लोकल एरिया कनेक्शन में यूज करते हैं, ठीक है। अब अगर रिंग टोपोलॉजी की बात करें तो ये सबसे बेस्ट और सबसे चीपर तरीका होता है, जो हमारे नेटवर्क्स होते हैं, ये मोबाइल नेटवर्क जो होते हैं ये रिंग टोपोलॉजी में ही कनेक्ट होते हैं, ठीक है। हमारे जितने ये टेलीफोन्स नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क, ये रिंग टोपोलॉजी में ही कनेक्ट होते हैं। इन अ रिंग टोपोलॉजी
Each device has a dedicated point-to-point connection with only the two devices. इसमें dedicated point-to-point connection होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दो devices के बीच में होता है। अब जैसे ये देख रहे हैं आप कि ये devices या फिर ये nodes एक दूसरे से connected है। अब इस केस में क्या होगा दोस्तों, अगर यहाँ पे कोई केबल ब्रेक होता है, जैसे आप कंसीडर करें रिंग टोपोलॉजी के फायदे क्या हैं, अगर एक ये सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, ये इससे कम्युनिकेट करना चाहता है या फिर इससे कम्युनिकेट करता है और किसी कारणवश ये केबल कट गया, ठीक है, ये केबल में ब्रेक हो गया। अब दोस्तों ये इससे कम्युनिकेट कैसे कर पाएगा, तो इससे कम्युनिकेट करने के लिए ये इस पाथ को फॉलो करेगा, इस पाथ को फॉलो करेगा, देन इससे कम्युनिकेट कर सकेगा। इस केस में आप ये देखेंगे कि अगर कहीं केबलिंग का ब्रेक होता है, कई केबल कट होता है, एक ही केबल यूज हो रहा है दोस्तों, अगर कहीं केबल का ब्रेक होता है तो पर भी हमारा कम्युनिकेशन होता रहता है। अब यहाँ समझें आप, अगर ये भी केबल ब्रेक होता है तब पर भी सिर्फ ये डिवाइसेस वर्क नहीं करेंगे, ये डिवाइसेस वर्क करते रहेंगे। मीन्स अगर केबल का यहाँ पे कोई फॉल्ट होता है तो सारे डिवाइसेस बंद नहीं होंगे, कुछ ही डिवाइसेस बंद होंगे जो उससे कनेक्ट होंगे। तो ये एडवांटेज है रिंग टोपोलॉजी का। देखिए, अ रिंग टोपोलॉजी इज रिलेटिवली इजी टू इंस्टॉल एंड कन्फिगर रिकन्फिगर। ईच डिवाइसेस इज लिंक्ड टू ओनली इट्स इमीडिएट नेबर्स। इमीडिएट नेबर से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। और मैंने इसके एडवांटेजेस जो हैं दोस्तों वो आपको क्लियरली बताने की कोशिश की। ये बेसिकली जो हमारे मोबाइल नेटवर्क्स हैं उसमें ये कनेक्ट होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक्स और नए पॉइंट्स लेकर डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क का। तो प्लीज़ दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश किया और आपको थोड़ा भी समझ में आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद दोस्तों।